हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री फॉर एग्जाम एंड नॉलेज में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पेट का जो एग्ज़ाम फर्स्ट वाली में हुआ है उसका आंसर की लेकर आए हैं, हम उसको देख लेंगे उसका आंसर की हम लोग। और जो सेट है वह सेट ए है, सेट ए का आंसर की हम लोग देखेंगे फर्स्ट वाली का। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालानुक्रम सही क्रम क्या है? तो जो सही क्रम है वह है सबसे पहले इल्तुतमिस, उसके बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी, अकबर और शेरशाह सूरी। राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर टू, निम्न में से कौन सा संत शिवाजी के समकालीन थे? तो तुकाराम थे। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर थर्ड, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग जो थे प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट प्रश्न, चरक संहिता संबंधित है? तो चिकित्सा संबंधित है। क्वेश्चन नंबर फाइव, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो जो सही नहीं है ऑप्शन डी राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स, निम्न में इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो जो जाने जाते हैं ऑप्शन दादा भाई नौरोजी, जो ऑप्शन ए राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर सेवन का जो राइट ऑप्शन होगा, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक जो है होम रूल लीग से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पे देखना है निशान मिलान करना है निशान को। तो ऑप्शन सी राइट ऑप्शन होगा। आर्य समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, करो या मरो का नारा जो है किसने दिया था? तो करो और मरो का नारा गांधी द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर टेन, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, इस पद का प्रस्ताव किसने दिया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट ऑप्शन होगा चिनाब होगा। सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर? तो चिनाब नदी पर। वसंत विशु होता है तो 21 मार्च को होता है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो यह असम में है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालयी नदी तंत्र की नदियाँ हैं? तो जो है गंगा, ब्रह्मपुत्र या हिमालय, यानी ऑप्शन बी राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न, बैंक दर का अर्थ है? तो ऑप्शन डी राइट ऑप्शन होगा, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली अधिकारी ब्याज। क्वेश्चन नंबर 17, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर पड़ेगा? तो यह बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 19, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा इसका जो हस्ताक्षर किया जाता है 100 रुपये के नोट पर? तो आरबीआई के गवर्नर के द्वारा इसका जो होता है इस पर हस्ताक्षर किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20, फेमा का पूर्ण नाम है? तो ऑप्शन बी राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य और स्वच्छता किसमें शामिल है? तो राज्य सूची में शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22, भारत में पंचवर्षीय राज्य व्यवस्था किसके अंतर्गत आती है? तो इनमें से कोई यहाँ पे नहीं, बलवंत राय मेहता समिति जो है इसका राइट ऑप्शन होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया है तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 23, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार, इसका जो उल्लेख किया गया है आर्टिकल 21E में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया है? तो ऑप्शन सी राइट ऑप्शन होगा इसका, बीआर अम्बेडकर ने रखा था। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के लिए? तो आर्टिकल्स 29 में कहा गया है, ठोस चालक में धारा प्रवाहित होती है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 27, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो मापन है, ऑप्शन सी राइट ऑप्शन होगा, एक वर्ष में निर्वात प्रकाश द्वारा चली गई दूरी का मापन करता है। ब्लीचिंग पाउडर CaO Cl2 राइट ऑप्शन होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 29, 18 कैरेट सोने में रखे जाते हैं तो 75%। नेक्स्ट प्रश्न, संतरे में बहुत मात्रा में होते हैं तो विटामिन सी होता है। क्वेश्चन नंबर 31 का जो इसको आप इसको हल करेंगे तो 324 राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी राइट ऑप्शन होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 32 को जो आप हल करेंगे तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा 1000। क्वेश्चन नंबर 33 का जब इसको हल किया जाएगा तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 16% होगा। क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 36,
एकल विलोम शब्द है तो बहुल का विलोम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 37 दर्प का पर्यायवाची कौन है तो अहंकार है। क्वेश्चन नंबर 38 मन को हरने वाला वाक्य के लिए तो मनोहर है। क्वेश्चन नंबर 39 गंगा गागर में सागर भरना यानी थोड़े में बहुत कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 40 शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए तो ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन होगा महत्वाकांक्षा। क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा क्वेश्चन नंबर 41 का राइट ऑप्शन ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 44 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 45 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट ऑप्शन पक्षी विज्ञानी मानव इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 47 उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता है तो आयल जो है यह अन्य शब्दों से मेल नहीं खाता है इसका कूट है इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 49 रीता को और इशारा करते हुए इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी बुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 5 होगा इसका राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 51 का जो राइट ऑप्शन होगा निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है तो पटना में नहीं हुआ है ऑप्शन डी राइट ऑप्शन होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 52 कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है तो रिलायंस जियो जो है राइट ऑप्शन होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 53 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए राइट ऑप्शन होगा इसका देख लेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 मुक्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है तो घाना है। नेक्स्ट प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 55 अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है तो सिरिसा बंदला है। क्वेश्चन नंबर 56 का जो राइट ऑप्शन होगा उस भारतीय पहलवान का नाम बताइए जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया है तो सुमित मलिक पर लगा है। क्वेश्चन नंबर 57 भारत का हुआ कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट पढ़ाई लागू की है तो हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 58 किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-2020 के लिए UDISE शुरू किया गया है तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है तो ऑप्शन ए राइट होगा विराट कोहली। क्वेश्चन नंबर 66 आर्टिफिशियल एजेंसी आधारित पोर्टल भारत में किस न्यायालय ने शुरू किया है तो सर्वोच्च न्यायालय ने शुरू किया है इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 61 का मिलान किया जाएगा तो कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं तो 5 है। क्वेश्चन नंबर 62 निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी का क्या है तो सान जोन्स जो है कोस्टा रिका की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है तो मलयालम इसका आधिकारिक भाषा है लक्षद्वीप का। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है तो 550 इस समय जो दो आंग्ल है उसका जो उसको निकाल दिया गया है तो 550 इसका राइट ऑप्शन होगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 66 इनमें से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है तो म्यांमार जो है सार्क का सदस्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 67 निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं हैं तो औरंगाबाद में है। ओडम किस भारतीय राज्य का केंद्र शासित प्रदेश केरल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है तो बुध जो है सबसे नज़दीक है बुध शुक्र यहाँ स्टार्ट होता है या शुक्रम है। नेक्स्ट नोबल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे तो रविंद्र टैगोर थे प्रथम एशियाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको पढ़ना है गद्यांश दिया हुआ है तो इसका जो 71 का राइट ऑप्शन होगा 71 विश्व शांति क्यों आवश्यक है तो जो इसको पढ़ने के बाद जो उत्तर होगा इसका उत्तम रचनात्मक कार्य के लिए इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका। क्वेश्चन विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है तो ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 72 का
आत्मीयता और समीपता। क्वेश्चन नंबर 73, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है, तो अहिंसा के द्वारा बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 74, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं, तो ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन होगा, शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। क्वेश्चन नंबर 73, नितान शब्द का उपयुक्त पर्याय है, तो बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 76, विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति है, इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य, इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, सभी भौतिक सुविधाओं से संपन्न है। क्वेश्चन नंबर 77, इसका जो राइट ऑप्शन होगा, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपहार किया है या उसे मुक्ति मिलती है, तो ऑप्शन सी राइट ऑप्शन होगा, भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारधारा से मुक्ति मिलती है। विश्व के परिपथ लगाने वाला प्रमुख कारण क्या है, तो यातायात एवं संचार साधनों का विकास, ऑप्शन ए राइट ऑप्शन होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 79, हस्तामलक शब्द से अभिप्राय है, तो स्पष्ट और अन्याय बोधगम्य, ऑप्शन डी राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 80, वैज्ञानिक चिंतन पतबंध से आशय है, तो स्वास्थ्य एवं संतुलन से आशय, ऑप्शन डी राइट ऑप्शन होगा। इसके बाद मैथ का प्रश्न है, इसको देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 का जो राइट ऑप्शन होगा, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं, तो ऑप्शन थर्ड बी राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 82 का जो राइट ऑप्शन होगा, 1, 2, 3, 6, निम्न से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं, तो 1, 2, 3, 6 ऑप्शन बी राइट ऑप्शन होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 83, भूगोल में छात्र से 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़ती है, तो आंकड़े अपर्याप्त हैं, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 84 का जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 85, छात्रों 4 को भूगोल में 60 अंक मिले हैं, तो उसके इतिहास में अंक है, तो इतिहास में अंक 75 होगा इसका। दूसरा जो डाटा इंटरप्रिटेशन है इसको पढ़ने के बाद, क्वेश्चन नंबर 86 का जो राइट ऑप्शन होगा, कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम बिंदु का वर्ष था, तो ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन होगा, 2016-17। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 87, पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन प्रतिशत क्या रहा, तो ऑप्शन बी राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 88, 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन क्या था, तो ऑप्शन बी 62.5 मिलियन टन था। क्वेश्चन नंबर 89, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रहा, तो ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी 3/4 इज राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 91 का राइट ऑप्शन ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 92 का जो राइट ऑप्शन होगा, वह ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 92 का। क्वेश्चन नंबर 93 की सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाया गया, तो ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन होगा इसका, ऑप्शन सी यानी डी का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 94 का जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 95 का राइट ऑप्शन ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 96 निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम है, तो ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 97, अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा है, तो ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन होगा, 35.3। क्वेश्चन नंबर 98 का जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 99, किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है, तो ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 100 का जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन होगा। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।